हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। सो लास्ट वाली वीडियो में मैंने और मेरे दोस्त ने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी थी। ट्री फार्म बनाया था पास में, एनिमल्स के लिए जगह बनाई थी हमने, फूड्स के लिए जगह बनाई थी हमने, क्रॉप फार्म बनाया था पास में हमने, एक और प्लेटफॉर्म बनाया था जहाँ पे हमने बाद में एक्सपी फार्म भी बनाना है या फिर मॉब फार्म बनाना है, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। बट हमारा टीममेट अभी तक नहीं आया, मुझे लगता है ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा और तभी नहीं आ रहा है। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत बेकार बनाया है इसको ना, सबसे पहले रेनोवेट करेंगे ताकि कोई भी मॉब आए तो हम उसको अंदर ही मार सकें, उसको बाहर जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलना चाहिए। कि मुझे थोड़े स्टोन मिले थे तो मुझे कुछ स्टेयर्स भी बनानी है, और भी स्टेयर्स, बट इसके लिए मुझे स्टोन और चाहिए। कॉबल स्टोन मेरे पास नहीं है कि नहीं है, तो मुझे कॉबल स्टोन और बनाना पड़ेगा। अरे मतलब इतने ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, हो गया काम अपना। ओके इतना ठीक है। ये मुझे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, मुझे चारों तरफ ना डोर्स लगाने पड़ेंगे। डोर्स हमारे पास नहीं है क्या, तो डोर्स के लिए ना वुड भी तो चाहिए। तो सबसे पहले दो डोर्स क्राफ्ट कर लेते हैं, एक यहाँ पे। तो एक डोर हमें यहाँ पे लगाना है और दूसरा डोर हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब मुझे कुछ पिलर्स भी प्लप करने पड़ेंगे, लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है, ये स्टोन वापस भी तोड़ना है। इसके ऊपर चढ़ गया मैं ना, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे स्लैब्स लगाने हैं जो मैंने तोड़ी थी। कि ये वाला गलत लगा है, इसको यहाँ से लगा देते हैं यहाँ तक। ऊपर मैं आई थिंक नहीं लगा सकता, इतना सही है, बस यहाँ पे भी नहीं लगा सकता क्या। अगर मैं इसको तोड़ दूँ, इसकी जगह ये लगा दूँ, ये भी नाइस लग रहा है ना। ये भी अच्छा ही लग रहा है। ओके तो ये वाला सही हो गया है, बस मुझे एक यहाँ पे लगाना है, परफेक्ट। इसके ऊपर कुछ टॉर्चेस भी लगानी है, एक टॉर्च लगानी है, और इसको वापस तोड़ना है जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है। और राइट, ये कंप्लीट हो गया है, चारों तरफ से मैंने बंद कर दिया है। ये वाली स्लैब्स यहाँ से हटानी है मुझे ना, एक्चुअली इधर प्लेस करना है ताकि मैं बाहर नहीं जाऊँ। इस सागा ने बहुत गलती लीव्स लगाई है, आराम से कोई भी बंदा नीचे जा सकता है। तो ये वाला काम इधर से हो गया, मुझे थोड़े बहुत और बनाने पड़ेंगे मे बी। तो मुझे ये वाली वुड चाहिए और कुछ स्टिक्स बनानी है, कुछ इनको यहाँ पे रखना है, स्टिक्स बीच में लगानी है, तो बहुत सारे बन जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर भी लगाना है एक, यहाँ पर लगाना है एक, इसको करना है इसके साथ मर्ज, इसको इसके साथ मर्ज करना है ताकि यहाँ से हम बाहर ना जाए। ओके
और यहाँ पे भी दो चार ऐड कर देंगे हम। बाद में यहाँ पे लीव्स लगा के ये वाले फेंसिंग हम कर देंगे, तब तक के लिए हम ये वाली चीज़ें इसमें रख देते हैं। ये भी रख देते हैं, अभी इसका यूज़ नहीं है, और ये यहाँ पे रख देंगे। परफेक्ट, अब हम वापस चलते हैं माइनिंग पे, और मुझे एक चेस्ट मिला है, इसमें भी कुछ कचरा ही है। एक और चेस्ट, इसमें भी कुछ खास नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ें उठा लेते हैं और विदाउट चेकिंग इसमें लगा देते हैं। अभी मॉब्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, पिगी आया है। पिगी भाई इधर से निकलो, यहाँ पे तेरा काम नहीं है। भाई हमारे पास कैरेट वैसे है नहीं, तो इसको मैं बाहर लेके जा सकता था कैरेट के थ्रू, बट एक चीज़ है, ये यहाँ से अंदर आ सकता है। अभी देखते हैं अंदर आता है तो। ओह नाइट हो गई है, मुझे डे कर लेना चाहिए फटाफट। ऑल राइट, डे हो गया है, हम चलते हैं वापस से अपनी मजदूरी पे। सामने देखो कितने मॉब स्पॉन हुए हैं यार। वहाँ पे मॉब फार्म ना एक कमाल का एक्सपी फार्म बन सकता है यार। इसमें भी कुछ नहीं है, एक और चेस्ट आया था यार। स्टोन एज तो आ गई थी, बट समझ में नहीं आ रहा अभी स्टोन क्यों नहीं मिल रहे। एक और चेस्ट, वाटर बकेट, अनदर वाटर बकेट। चलो अच्छी बात है, पहली वाटर बकेट हमारी फेल हो गई थी। ओके एक और चेस्ट, इसमें भी वैसे कुछ नहीं, बस इसको तोड़ना है और एक और लेवल कंप्लीट। ओके एक और चेस्ट, फाइनली मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है, इसको मैं यहीं से तोड़ दूँ। ओके तो सबसे पहले ना इसको ग्रो कर लेते हैं। तो हमारे पास एक होवे था, ये रहा होवे और ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़, बट हमारे पास बोन मिल नहीं है। तो बोन मिल के लिए मे बी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे स्पॉन हुए थे, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉप कर चुके होंगे ना। यस ड्रॉप करा है, बहुत कुछ ड्रॉप करा है। सारे एरोज भी मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर काम में आ सकते हैं। से ज़्यादा नहीं है, पाँच है, पाँच से हमारे 15 बन जाएगा मे बी। हाँ 15 बन गए। चलो अभी हम कैरेट भी ग्रो कर लेते हैं। पोटैटो पहले से हमने ग्रो कर रखा है, ये पोटैटो है पहले से ग्रो कर रखा है, अभी कैरेट का टाइम है। कैरेट भी इधर लगा लेंगे। फाइनली हमारे पास कैरेट भी आ गए हैं इतने कि हम इधर प्लेस कर सकते हैं। तो पोटैटो भी थोड़ी बहुत ग्रो कर चुकी है, तो पोटैटो भी हम यहाँ पे वापस प्लेस कर लेते हैं। फाइनली धीरे धीरे हमारा ये वाला फार्म भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। बाद में ये वाला फार्म हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले, इसके लिए भी कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। शायद उस साइड पे कुछ अच्छा जगह मिल जाए, वहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, लेकिन तब तक हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अभी तक हमारे ब्लॉक्स कितने हुए हैं, हमें 20 स्टैक्स ब्लॉक चाहिए ताकि हम एक एक्सपी फार्म वहाँ पर बना सकें। और मे बी अभी हमारे पास कितने स्टैक हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टैक हो गए हैं, और यह है 7 स्टैक हो गया ना। 7 स्टैक ही हुआ है अभी, 8 स्टैक, नियरली 10 स्टैक टोटल में है अभी हमारे पास। अभी हमारे पास बहुत कम है, 50% आ गया, अभी 50% और चाहिए। बट हमें एक लावा बकेट मिल जाता ना, हम कॉबलस्टोन फार्म बना सकते थे, बट उसके लिए ना हमें चाहिए होगा कहीं, या तो ट्रेडर कहीं से आ जाता लावा बकेट लेके, या फिर हमें इसमें से मिल जाए अनदर पिगी। ये भाई इधर से निकलो, ये तेरी जगह नहीं है एक्चुअली। ओके अलग अलग टाइप के वुड्स भी आ रहे हैं। अनदर चेस्ट, लेदर विक एजलिया ब्लॉक, काम का ही है। मेरे लिए एक और शीप, और शीप को यहां से बाहर लेके जाने के लिए हमारे पास है, हमारे पास अच्छी चीज है। बाहर आओ, यस इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे तू आ, उनको नहीं आना, तुझे आना है इधर आ। हाँ इधर आ, अंदर जा, अंदर जा। ओके
अनदर चेस्ट, ये भी खाली। यार अभी तक स्टोन क्यों नहीं मिल रहे हैं? कॉबल स्टोन काफी टाइम से नहीं मिले, शायद मुझे नेक्स्ट लेवल तक जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मिल सकते हैं। तो ये चीजें हम वापस लगा दें और इसको बाहर निकालना है। बाहर आजा जरा। इधर आ, अंदर आ, अंदर आ। हाँ चलो, इनको ना बाहर रखना ही नहीं है, कितना मेस करते हैं ना। इधर जगह ही नहीं मिलेगी मुंह करने के लिए, इतने ज्यादा यहाँ पे हो जाएंगे। ग्रेवल बहुत मिल रहा है, वुड थोड़ा सा मिल रहा है, डर्ट बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके अनदर चेस्ट, इसमें भी लेदर ही है। ओके अनदर पिगी, इसकी जरूरत नहीं है। ओके मेरा ये भी टूट गया है, छोड़ो। तो इसको भी इसमें ही रख देंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ग्रेवल भी, ये भी, लेदर भी, बाकी ब्लॉक वाली चीज़ें हमें इसमें लगानी ही है। तो हम ये भी देखेंगे ना, हमारे पास ब्लॉक्स इतने आते हैं, जैसे हमारे पास 20 स्टैक हो जाएगा हम अपना एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें और मिलेंगी। सबसे पहले एक्चुअली एक्सपी फार्म नहीं बनाना है हमें, हमें रिसोर्स फार्म बनाना है, वहाँ से हमें बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी, विच भी मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इतने हैं मेरे पास, 3 और चाहिए यार, स्टोन और चाहिए, क्योंकि मुझे टूल्स भी बनाने होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है डर्ट, क्योंकि डर्ट हमें सिर्फ और सिर्फ माइनिंग से मिलेगा, वन ब्लॉक को माइन करके, इसके अलावा डर्ट कहीं से नहीं मिलेगी। इसलिए मैं एक्चुअली डर्ट जो है ना वो फार्मिंग में यूज़ नहीं करना चाहता। चलो एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिली है, जो आई होप कि इससे पहले नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, अभी मिली है। मैं एक्चुअली डर्ट को यूज़ नहीं करना चाहता वहाँ पे, डर्ट को हम सिर्फ बिल्ड में काम ले सकते हैं, जैसे हमें कोई फार्म वगैरह बनाना हो, एक्सपी फार्म नहीं, जैसे हमें कोई फूड फार्म बनाना है तो वहाँ पे काम आ सकते हैं। सबसे पहले ना डे कर लेते हैं। ओके फाइनली डे हो चुका है और हम माइनिंग पे वापस से। यार बहुत टाइम हो गया माइनिंग पे, अभी हमें बहुत सारा और भी काम है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ना मुझे ये सारी ट्रीज वगैरह जो है इसको चॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ट्रीज़ वगैरह को चॉप करूँगा तो हम दोबारा भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, वरना यही रहेगा और दोबारा ग्रो कर नहीं सकते। ओके से तो जितने भी हमें सैपलिंग मिली है ना वो हमें वापस से प्लेस करनी है। ओके बहुत कम मिली है वैसे। यार इसमें ना मुझे लग रहा है कोई लॉग फंसा हुआ है, तभी ये जो है डिस्पॉन नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली डिस्पॉन होने चाहिए। सिर्फ मिड वाले डिस्पॉन नहीं हो रहे, बाकी तो हो रहे। ओके है ये लगा ही था कुछ छुपा हुआ है ऊपर। कि 2-3 और सैपलिंग्स मिल जाए तो इधर प्लेस कर सकते हैं। फाइनली दोबारा से मैंने सारी चीज़ें प्लेस करी है, बट एक गोल्डन एप्पल मिला है, एक्चुअली 2 है। तो गोल्डन एप्पल नहीं, सॉरी एप्पल, इसको गोल्डन एप्पल में बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी के लिए सैपलिंग सारी जो है इनको इधर प्लेस कर देते हैं और इसको यहाँ पे लगा देंगे बाद में। एक्चुअली ये हमने गलत लगाया, यहाँ पे लगाना चाहिए था इसे। अब थोड़ा सा एक कॉरिडोर सा बन गया है, बाकी मुझे ये वाली चीज़ें इधर ही रखनी है, ये और ये लेनी है इनको, ताकि इनको मैं कन्वर्ट कर सकूं प्लैंक्स में। सारी जितनी भी है प्लैंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक और स्टैक यहाँ पे। ऑल राइट, ये वाला काम कंप्लीट। सबसे पहले हम अपने साथ ब्लॉक लेके चलते हैं, कितने हमारे पास, और हमें कुछ स्लैब्स भी चाहिए तो कुछ स्लैब्स भी बना लेंगे हम। बूम,
चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। कुछ चेस्ट भी चाहिए हमें, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे लगता है चार चाहिए। यस चार ही चाहिए। एक वाटर बकेट भी चाहिए। चलो इतने से काम हो जाएगा अपना। तो फाइनली मुझे ये वाला डोर बंद करना पड़ेगा यार। यहाँ पे ना टूट चुका है, क्रीपर आके फूटे हैं यहाँ पे, तो इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा प्रोग्रेस करना स्टार्ट करने के। मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट यहीं से ही करना पड़ेगा। तो एक मिनट, सबसे पहले ना चार चेस्ट लगा लेते हैं। एक दो तीन चार, नहीं नहीं ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगाने थे, ऐसे लगाने थे ऐसे। ओके तो इसके ऊपर ना साइड से 1 2 3 4, यहां से भी ओके। तो मुझे ये वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है और ये वाला तोड़ना है, ये भी तोड़ना है। फाइनली यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें 22 ब्लॉक्स ऊपर जाना है, तो हम तीन तीन ब्लॉक जाएंगे, दो और तीन। अब दोबारा से तीन ब्लॉक्स। ऑल राइट, यहाँ से हमें 8 ब्लॉक बाहर जाना है, तो दो लग गया, 3 4 5 6 7 8। सेम यहाँ से भी 8 ब्लॉक्स, सेम हमें यहाँ से भी करना है। चारों तरफ से हमें 8 ब्लॉक बाहर जाना है। बाय द वे हमारा टीममेट आज आया नहीं है, पता नहीं, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, अभी तक आया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से भी 2 3 4 5 6। यार सागा जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, वो बोलता है कि नहीं है नहीं है, बट एक्चुअली में है, झूठ बोलता है, नहीं है नहीं है। ओके इतना कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली मुझे ये स्लैब्स लगाने थे, बट कोई नहीं, स्लैब्स नहीं लगाए तो क्या हुआ। यहाँ से मुझे दो दो ब्लॉक ऊपर लगाना है, सेम मुझे चारों तरफ से करना है। ओके तब तक ना मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, वरना मैं खुद ही नीचे जाऊँगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले ना इसको दो ब्लॉक ऊपर लेके जाएंगे, उससे मुझे आइडिया रहेगा कि मैं कितना ऊपर हूँ और कितना मुझे ओवर एड करना है। और ये वाला नहीं है। तो फाइनली हमने आधा तो कंप्लीट करा है, अब हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला कंप्लीट हो चुका है और अब हमें उनको चारों तरफ से ना स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और उसमें मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके अभी हमें इसको चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा, और हमारे पास स्लैब्स बहुत सारी, तो स्लैब्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से कवर हो गया, अब यहाँ से भी। बट हमें वुड और चाहिए, क्योंकि हमें ट्रैप डोर भी बनाने हैं और पानी का एक और बकेट भी चाहिए, वो हम नीचे से ला सकते हैं। उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा कि ये वाला साइड भी कंप्लीट हो गया। अभी तीसरा वाला साइड वन ब्लॉक में, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक्सपी फार्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि कोई और जगह होती नहीं है मॉब्स को स्पॉन करने के लिए, तो ये वाला एक्सपी फार्म बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ऑल राइट अभी हमारे पास थोड़े बहुत और ब्लॉक्स है, तो हम इसको थोड़ा सा इनक्रीज तो कर सकते हैं मे बी। तो वापस तोड़ना है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो जितने हैं ना उतने में ही काम करना है, इसलिए एक्स्ट्रा ब्लॉक्स जितने भी है वो सारे हमें वापस तोड़ने पड़ते हैं। ऑल राइट ये वाला कंप्लीट हो गया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ना हमें ट्रैप डोर चाहिए, तो ट्रैप डोर आई थिंक हमारे पास हो सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं है, ट्राई करते हैं बना सकते हैं नहीं, लेकिन हमें नीचे भी तो जाना है। तो यहाँ पे एक दो टॉर्चेस हम लगा देंगे, ताकि यहाँ पे कुछ मॉब स्पॉन ना हो जब हम वापस आएंगे।
अरे बट बाहर बहुत सारे मॉब्स हैं। ओके ट्रेडर भी आया है। ओके 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 ट्रेडर ट्रेडर आया है तो हमें लावा बकेट मिल सकता है। तो सबसे पहले ना हमें डे करना पड़ेगा यहाँ से। ऑल राइट डे हो चुका है। वो ट्रेडर भाई यहाँ पे है तो देखते हैं क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भाई। बकेट ऑफ ट्रैफिक फिश, मतलब ये तो पानी ही है ना। स्लाइम है, सारी चीजें हैं, बट हमारे पास एमरल भी नहीं है तो किसी काम का नहीं अभी, पता है किसी काम का नहीं है। ओके पानी भी हमारे पास आ गया है और हमें ट्रैप डोर चाहिए तो ट्रैप डोर हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। हमें 16, हमें बहुत सारे ट्रैप डोर चाहिए यार। उसके लिए वुड भी बहुत चाहिए यार। 20, हमें 64 चाहिए एक्चुअली, ये तो 22 ही है, अभी तो बहुत सारे चाहिए। 48, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हमें ये वाली वुड तोड़नी पड़ेगी। 128 ट्रैप डोर चाहिए, 128। 8 एक साइड में लगेंगे, 8 दूसरे साइड पे, मतलब 16 एक साइड पे लगेंगे, 16 और 16 हो गए 32। नहीं यार 64 में काम हो जाएगा। ओके थोड़ी बहुत सैपलिंग भी मिली है, इसको साथ में प्लेस कर लेते हैं। तो हम पानी इधर लगा सकते हैं और ये जो पानी यहाँ पे लगाया है इधर एक ब्लॉक लगा के, ये वाला पानी भी हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स क्रिएट हो गया है तो हमारे पास जितने ट्रैप डोर्स हैं ना वो हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से भी, ओ सेम यहाँ से भी। अब हमें चारों तरफ ना पानी लगाना है। अभी पानी मिड तक पहुँच जाएगा बट मिड में नहीं जाएगा, करेक्ट। और सेम ना हमें चारों तरफ करना है कि पानी लगाना पड़ेगा। हमें दूसरा बकेट भी साथ में लेके आना चाहिए था, बस ये लास्ट बकेट रह गया है प्लेस करना, दूसरी साइड पे लगाना था। हमारी हेल्थ इतनी डाउन हो गई पता भी नहीं चला। ओके मुझे लगता है सारा पानी ना मिड तक पहुंच जाएगा। हाँ और ये हमें बंद करना है यहाँ से, वापस तोड़ेंगे और स्लैब्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं नीचे नहीं आना था। ऑल राइट नीचे तो कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा मुझे ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर एक दो ब्लॉक्स और लगाने पड़ सकते हैं। ये नहीं लगाना था, गलत वाला ब्लॉक लगा है। ओके हमारे पास स्लैब्स है, आई थिंक मुझे टॉर्चेस नहीं स्लैब्स ही लगानी चाहिए इधर क्योंकि यहां पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं। टॉर्चेस भी लगा सकता हूं बट ये है ना कि कुछ मॉब जो है वो स्पॉन हो सकते हैं फिर। लास्ट साइड बची है, हमारे पास है छोटी मोटी ब्लॉक्स। ऑल राइट ये तो कंप्लीट हो गया बट नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। अभी नाइट यहीं पे स्पेंड करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे जाना बहुत ही हार्ड है, नीचे बहुत सारे मॉब्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हम नीचे जाएंगे वो हमें खा जाएंगे नीचे। ये देखो यार मुझे ना एक दो स्पाइडर मारने पड़ेंगे और उनसे थोड़ा बहुत ड्रॉप्स उठाने पड़ेंगे क्योंकि एक बो बनाना पड़ेगा, बिना बो के थोड़ा सर्वाइव करना हार्ड हो जाएगा आगे चल के। यार अभी तो आधा दिन बचा हुआ है। यार मैं मरने वाला था। अरे यार मार दिया, ये पीछे आ गए स्पाइडर की ऐसी की तैसी। ये मारने वाला है मेरे को।
अरे नहीं यार, क्यों मारा? नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करने वाला, जब तक डे नहीं होता मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो फाइनली हमारा जो मॉब फार्म है वो कम्प्लीटली काम कर रहा है और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और ज्यादा प्रोग्रेस कर। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।